आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल मॉस्क। सो लोग जो है ना लाइन से खड़े हैं, ये नहीं है जिसको इधर से घुसना हो, उधर से घुसना हो, ऊपर से घुसना हो, नीचे से, ऐसे नहीं। इट्स सेम लाइक अ पिकल टेस्ट गाइस। कलर में काफी डार्क लग रही है और ये गार्लिक नान। वन एंड ओनली जहाँ पे मेरा नाम लिखा होता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यू नो, तो क्या कह सकते हैं। आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट में। ये देखें, और ये है काफी मुस्तफा, और ये मैंने दिया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग खा खा के तुर्किश डिलाइट्स, तुर्किश खाने, बारबेक्यू, कोफ्ते, ग्रिल, थक चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने देसी माहौल में। ये है, वी आर लुकिंग फॉर सम देसी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी फूड। और अभी हम लोग हैं इमीनू स्टेशन से, अभी टैक्सी ने हमें यहाँ ड्रॉप किया है और अब हम आगे को निकल रहे हैं। और ये जस्ट नेक्स्ट टू गलैटा, गलैटा टावर, वो देखें आप। और ये साथ में बोट है, हम लोगों ने सी फूड भी ट्राई कर लिया, सब हो गया। तो अब कुछ हो रहा था देसी खाने का मोड, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। एक हमने रेस्टोरेंट सर्च किया, होपफुली इट्स गोना बी ग्रेट टेस्ट, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। मीनवाइल कंटिन्यू फॉलोइंग मी। अगर आपने रेस्ट रूम यूज़ करना है तो डिफरेंट मेट्रो स्टेशन और ये जो है ये बेसमेंट में बने हुए हेयर, आपको वहाँ पे सेम कार्ड यूज़ करना है जो कि तुर्की, जो कि क्या नाम है, मेट्रो का सेम कार्ड है। ये देखिए इस तरह के, एंड इट्स गोना कॉस्ट यू लाइक 1 तुर्किश लीरा, दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व। अब मैं लेने लगा हूँ यहाँ का फेमस पिकल जूस, तो ट्राई करते हैं कैसा है, आपको दिखाते हैं। No straw. Oh, it's same like a pickle taste, guys. God. इसके अलावा हमने यहाँ के फिश सैंडविच को ट्राई कर लिए, बेसिकली बोट से सर्व करते हैं आपको। बस मजे की बात बताऊँ आपको, पहले ये तो चुप कर जाए। हाँ, मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे देखें ये बस स्टॉप है, यहाँ पे लोग जो है ना लाइन से खड़े हैं। ये नहीं है जिसको इधर से घुसना हो, उधर से घुसना हो, ऊपर से घुसना हो, नीचे से, ऐसे नहीं, प्रॉपरली लाइन से। आप इवन उधर भी चेक कर सकते हैं, सब लोग लाइन से, क्यू से खड़े हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं चक्कर में हूँ कि बीच में ही घुसूँगी, प्रूफ करता है। ये देखें गाइस, ये हम तकसीम स्क्वायर में, और ये बड़ा फेमस मॉन्यूमेंट है, कहाँ गया, कल तक तो यहीं था, वो बीच में छुपा हुआ है, वो रहा। आई होप इतना जूम करके दिखाता हूँ ताकि मुझे चलना कम पड़े, मैं तो देख देख के थक गया हूँ, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को ज़रा कवर करा दूँ। और जो कोई भी तकसीम स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक स्टारबक भी है, उसके अलावा बर्गर किंग भी है, स्टारबक दिख रहा है आप लोगों को, ये स्टारबक है, दिस वन, हियर इज़ अ स्टारबक। एंड देन उसके अलावा यहाँ पे सोफिटल होटल भी है, इस तरफ जो है आपके बर्गर किंग है, और इधर एक्सचेंजर हैं, और समिट सराय, अगर आपको इसकी चाय पीनी हो तो इसकी फेमस है।
उसके अलावा भी बहुत सारी जगह है, मैं आपको बताऊंगा जब यहाँ से वापस भी जाएंगे किस तरह एयरपोर्ट जाना होता है। अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हम चलते हैं ज़रा आगे की तरफ। कितनी प्यारी आवाज़ आई है इस मस्जिद से, आपने देखी। हम आ चुके हैं कराची दरबार रेस्टोरेंट के सामने, और एक और है इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, दिल्ली दरबार इंडियन रेस्टोरेंट। तो अभी देखते हैं कौन सा हमें जो सूट करेगा विद रिस्पेक्ट टू द फूड। वो एक और भी है बल्कि बीच में इंडिया गेट भी है, तो काफ़ी सारे यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं। किसी ने खाना है अगर देसी तो ये तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल करीब है, हाफिज़ मुस्तफ़ा वाली स्ट्रीट पे आप आएँ, और सॉफ्टल होटल भी इसी स्ट्रीट में, और आपको सारे मिल जाएंगे। सो इन्जॉय मील। हम बैठ चुके हैं कराची दरबार रेस्टोरेंट में, प्राइसेस यार थोड़े हाई हैं सैडली सेट, बाकी भी देखे हैं लेकिन पाकिस्तानी में जो एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ है। करीब कर दो, प्राइसेस क्वाइट हाई है, और ये देखें छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं लाइक आई मीन इट्स नॉट रीजनेबल टू राइड लाइक दिस। कस्टमर सर्विस पे मुझे नहीं लग रहा कोई है। बाकी फूड चेक करते हैं, मशहूर यहाँ पे ऑर्डर दिया है जो कि यहाँ की फेमस है निहारी, काफ़ी दोस्तों ने बताया था, लेकिन उन्होंने साथ साथ दूसरे भी प्रोस एंड कॉन्स भी बताए थे, तो उसके लिए प्रिपेयर होकर आया था, मुझे आइडिया तो था, लेकिन देखते हैं बाकी कैसा फूड है। आई कॉन्ट जज एनी वन, लेट्स सी। ये देख लें ये स्टैंड निहारी आ गई है, और ये निहारी है इनकी, विच इस कलर में काफ़ी डार्क लग रही है, और ये गार्लिक नान और एक प्लेन नान मंगाई है। अब देखते हैं क्या टेस्ट है, थैंक यू। अब ट्राई करते हैं, बाकी आपको देते हैं रिव्यू आफ्टर ब्रेक। खाना हो गया है, निहारी ऑर्डर की थी, सर्विसेज आई वोंट रिकमेंड के सर्विसेज गुड थी, प्राइसेस भी मतलब थोड़े हाई थे कंपेयर टू अदर तुर्किश रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे यू नो, तो क्या कह सकते हैं। आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस है प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में। क्वांटिटी भी काफ़ी लिटिल थी कंपेयर टू प्राइस, लेकिन ऑफकोर्स हमें पाकिस्तान का ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए होता है तो हमें तो जाना पड़ जाता है, बट आई वोंट रिकमेंड। ओवरऑल आई अगर 10 में से रेटिंग की जाए तो मैं तो 6.5 दूंगा, और सर्विसेज भी फारी की थी, सर्विसेज मुझे कोई खास नहीं लगी। तो ये कराची दरबार का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों को अपना है, आप लोग जाएं अपना कमेंट में शेयर करें फील फ्री। ये अब बाकी आगे देखते हैं, कुछ आइसक्रीम खाते हैं, कुछ और करते हैं। मीठे का टाइम है, मीठा मैंने वहाँ से नहीं लिया था क्योंकि मुझे तो टू बी ऑनेस्ट सर्विसेज अच्छी नहीं लगी, सर्विसेज की वजह से। वन एंड ओनली जहाँ पे मेरा नाम लिखा होता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, खाने वाले का नाम लिखा होता है मेरा नाम, तो ये अब मैं दूसरी ब्रांच में आया हूँ, इसकी 3-4 है इधर रोड में, हमने सारी ट्राई कर ली है, ये थर्ड वन है, तो इस पर भी जाते हैं, कुछ डिज़र्ट्स ऑर्डर करते हैं, उसके अलावा चाय शाय पीते हैं। आप लोग देख देख के थक गए होंगे, लेकिन हम लोग थका के नहीं थके। देखिए टी सर्व कर रहे हैं, ये जो आज वाली ब्रांच है ये एग्जैक्टली तकसीम स्क्वायर पर चल के बराबर है, और ये देख लें आप तकसीम स्क्वायर पे बिल्कुल
सामने तकसीम स्क्वायर का सर्कल और ये मॉस्क है इसके सामने, और ये देखें आप। और इधर बैठ के हम लोग प्लान कर रहे हैं खाने का, बट द अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि फुल्ली ऑक्यूपाइड है अंदर, वो एम्बियंस नहीं आ रहा। और काफ़ी अंदर जा गया तो हमने बोला कि फ्रंट पे ही बैठ के खाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इज फुली ऑक्यूपाइड। दिस इज द वन। आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ रोड पे बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट इन इस्तकलाल, और बिल्कुल आप देखें ये मॉस्क के सामने है, बहुत प्यारा व्यू है। और हाफिज मुस्तफ़ा इज़ माई फेवरेट। तो इधर मैं वेट कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ बकलावा ऑर्डर किया है और एक चॉकलेट फ्लेवर, और दूसरी एक और चीज़ की है मैं आपको दिखाता हूँ अभी आता है तो। बाकी यहाँ पर लाइन बहुत लगी होती है, क्यू पीछे देख लें ये सब, और सारे अरब्स, नॉन अरब्स, यूरोपियंस ऑल आर हियर। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। गाइस फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया है और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें ये देखें, और ये है हाफिज मुस्तफ़ा, और ये मैंने दिया है, और ये देखें सामने व्यू चेक करें, इसके सामने बैठ के हम खा रहे हैं। मजे ये जो दो तीन हमारी वीडियो ख़राब कर रहे हैं ना बेसिकली, ये लोग जो हैं लाइन पे खड़े हुए हैं कि हम उठेंगे तो ये बैठेंगे, और मैंने उठना नहीं है, हर तरफ लोग बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली एट तकसीम स्क्वायर होटल के पास। गाइस फिनिश कर लिया, मज़ा आ गया हम लोगों को डिजर्ट्स खा के, इंजॉय करके, और इस सामने ब्यूटीफुल व्यू देख के, और आर्किटेक्ट देख के, और ये तकसीम स्क्वायर एग्जैक्टली एट होटल। लेट्स कंटिन्यू अवर व्लॉग। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल मॉस्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Come here. Stay blessed. Subscribe for more.